यानी कि जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उनके जो उलमा होंगे वो बनी इसराइल के अम्बिया की तरह होंगे। तो वो जो मुजद्दीदीन हैं, वो इस्लाह करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो भेजे जाएंगे, उनके साथ जो मामला है वो होगा कैसे फिर अगर वही ख़त्म हो गई? तो वो मामला या तो ख्वाब के ज़रिए हो सकता है, या वो ये सूरत हो सकती है कि अल्लाह ताला मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से उनके साथ कलाम कर सकता है। इमाम अबू हनीफा ने लिखा कि बताया कि वो 99 दफ़ा उन्होंने ख्वाब में अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी, और फिर ये बयान के बाद उन्होंने फिर बाद में ही रिपोर्टेड फॉर द 100th टाइम एज़ वेल कि 100वीं दफ़ा भी ख्वाब में अल्लाह ताला ने उनसे कलाम फरमाया। फिर वो जो मुसलमानों के दरमियान एक मामला पेश आ गया था कि जो कुरान मखलूक है या अल्लाह का कलाम है, उस मामले में भी जो खलीफा वक्त था उसको ख्वाब में अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी थी। यानी ख्वाब में कोई आम इंसान को भी अल्लाह ताला ने अगर किसी को मुकाम देना हो, कोई मुजद्दिद का मुकाम देना हो, कोई इस्लाह का मुकाम देना हो, या अल्लाह ताला ने जैसे वो बादशाह के साथ भी ये मामला पेश आ गया, तो ये अल्लाह ताला कलाम कर सकता है। अब ये मेरे इल्म की कमी थी कि मैं उसको ये समझ रहा था कि पता नहीं कोई अल्लाह से ख्वाब में अगर किसी ने अल्लाह की आवाज़ सुनी है तो वो पता नहीं गलत है, कोई नबूवत का दावा करने वाला है या कोई ऐसी बात करने वाला है, ये ऐसी कोई बात नहीं थी, ये मेरे इल्म की कमी थी। तो हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिससे कोई इस्लाह का काम लेना हो, अल्लाह ताला ने किसी के ज़रिए कोई मैसेज पहुंचाना हो, तो अल्लाह ताला ख्वाब में कलाम कर सकता है। तो इस सारे चीज़ों का नॉलेज आने के बाद मुझे पता चला कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो हैं वो जो ख्वाब बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल शरीयत के दायरे के अंदर हैं, कोई उससे शरीयत से बाहर चीज़ नहीं है, और हमें उसको स्टडी करना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और फिर उसी क्यूरोसिटी में मैंने जब अल्लाह से तौफीक दी, अल्लाह ने उससे मांगा, उसको हक ढूंढने की कोशिश की, तो फिर अल्लाह ताला ने यह वाज़े किया कि ये बातें इनकी बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनको फॉलो भी करना चाहिए। और जैसे उनके ड्रीम में बताया गया है कि जो लोग उनका साथ देंगे, उनके ख्वाब फैलाएँगे, लोगों तक बात पहुँचाएँगे, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुनहरी रंग के कागज़ हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला जो है वो ख्वाब अल्लाह ताला उन लोगों के नाम जो है वो लिख रहा है जो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सुनहरी रंग के कागज़ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें भी तौफीक दे कि हम हक बात को पहचानें और उसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि मुझसे कोई भी बात सुनो चाहे वो एक आयत ही हो, उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। तो अल्लाह ताला का जो ये मैसेज और ये जो हक की बात ये आ रही है उसको हम फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब हक फैला रहे हैं तो फिर डरना कैसा? उखली में सर दिया तो धमकों से क्या डरना, अल्लाह हिफाजत करने वाला। तो आप जब इन चीज़ों को बहुत ओपनली कहते हैं तो आपको कोई डर खतरा वगैरह नहीं महसूस होता कि मुझे हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंचा दे? या जवानी में हम कहते होते थे ना, अब तो जवानी डाल रही है कि हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। अल्लाहु 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 अल्लाह। अच्छा अवैस भाई, मैंने आपकी अक्सर वीडियोस को देखा है और आपके साथ यानी टाइम भी गुजारा है, तो ये जिस तरह की आप बातें करते हैं, यानी कि बहुत ही खुले डुले अल्फाज में, जैसे हम आसान अल्फाज में कहूँ तो ये क्योंकि हमारा माशरा इस किस्म का है, वो इन चीज़ों को लोग अब छोटी छोटी बातों पे मज़हब को लेकर, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है। तो आप जब इन चीज़ों को बहुत ओपनली कहते हैं तो आपको कोई डर खतरा वगैरह नहीं महसूस होता कि मुझे हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंचा दे? या जवानी में हम कहते होते थे ना, अब तो जवानी डाल रही है कि हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। तो देखें, अगर तो हम सच बोल रहे हैं ना, यानी मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप बात ये कर रहे हैं कि मैं इमामुल महदी के टॉपिक के ऊपर बड़ा खुल के बोलता हूँ और अपनी राय का इजहार करता हूँ कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो है वो मुस्तकबिल में इमामुल महदी हो सकते हैं।
खुल के कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। तो अगर तो देखें ये मामला है सच, अगर तो ये बात है हक, तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तो हम हक पे हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, हमारी हिफाजत करे और बाकियों को भी वो हक का रास्ता दिखाए। लेकिन अगर हम गुमराही पे हैं तो अल्लाह ताला हमें भी हदायत दे और अल्लाह ताला हमें अपने शर से सबसे पहले महफूज रखे और लोगों को हमारे शर से महफूज रखे। और इसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं है, मैं तो मोहम्मद कासिम को जानता ही नहीं था आज से 3 साल पहले तक, 3-3.5 साल पहले तक। वो तो मैं ऐसे ही जैसे आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैंने भी यूट्यूब पे देखा, और बल्कि शुरू में मुझे लगा कि ये तो बड़ा कोई अजीब सी बात है, ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोला, मुझे ये बात समझ आई और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि असल में ये हमारी कम फहमी होती है। मैं अपनी बात करूँगा कि मैं तो कुएँ का मेंढक था, जो कुछ मैंने देखा था उसको मैं सही समझता था, जो मेरी नज़र से बाहर था उसको मैं गलत समझता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मेरे बाद नबुवत और उसके निशानियों में से कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी सवाए सच्चे ख्वाब के, जो इंसान अपने बारे में देखे या कोई उसके बारे में देखे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच्चा ख्वाब है वो नबुवत का 46वां हिस्सा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं धार सकता। ये बातें मुझे नहीं पता थी, तो उसी बेस पे मुझे लगता था कि ये मोहम्मद कासिम जो बता रहे हैं अपने ख्वाब बयान कर रहे हैं, फितना लगता था मुझे। लेकिन जब ये अहदीस मैंने पढ़ी, कुछ अल्लाह की तौफीक से स्टडी करने का मौका मिला, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी कम इल्मी थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बयान फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया अव मिन वराइल हिजाब अव युरसिला रसूलन फयूही वयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु अलीयुन हकीम। कि अल्लाह ताला ने 3 सूरतें बताई हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला अपने बंदों से कम्युनिकेट कर सकता है, राबता कर सकता है। कि वमा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, कि अल्लाह ताला किसी बंदे से कलाम नहीं करता इल्ला वहयन, सवाए वही के। कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो अल्लाह ताला ने कलाम किया, वो एक नबी के साथ कलाम किया था, वो वही की सूरत थी, जागते हुए बहालत बेदारी अल्लाह ताला से कलाम फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये वही का कलाम है। औ मिन वराइल हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्नी मा यशा। तीसरा क्या बताया है कि अल्लाह ताला किसी रसूल को भेजता है, यानी रसूल से मुराद यहाँ पे फरिश्ता रसूल है, यानी जो फरिश्ते अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही लेकर आते थे। ये दूसरी सूरत है अल्लाह ताला के अपने बंदों से कलाम करने की, ये दोनों अंबिया की सूरत हैं। तीसरी सूरत तो अल्लाह ताला ने बताई है औ मिन वराइल हिजाब, कि अल्लाह ताला किसी पर्दे के पीछे से भी किसी बंदे से कलाम कर सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने वो नूर दिखाया था, वो सामने बहालत बेदारी वो नूर नज़र आ रहा था, और अल्लाह ताला ने उस नूर से कहा भी था कि इन्नी अनल्लाह, कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तो लेकिन अल्लाह ताला किसी पर्दे के पीछे से भी कलाम कर सकता है। ये जो 2 सूरतें हैं, वही का कलाम जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, या रसूल का यानी किसी फरिश्ते का भेजा जाना, ये भी वही की सूरत है। तीसरी जो सूरत है मिन वराइल हिजाब, ये वो सूरत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास रहमत की सूरत रखी है। यानी जो बनी इसराइल का मामला और यानी पिछली उम्मतों का मामला और उम्मत मुहम्मदिया का मामला है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मामलात पिछली उम्मतों के साथ पेश आए हैं, वही जिन रस्तों पर वो चले हैं, जिन जो काम उन्होंने किए वही तुम भी करोगे, हत्ता कि कोई गोह के बिल में से उनमें से घुसा है तो तुम में से भी कोई ऐसा होगा जो घुस जाएगा। मफहूम में बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो यही मामला यानी वो सिमिलर है। एक रवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा और बनी इसराइल का मामला ऐसा है कि जैसे जूती के 2 पांव होते हैं, यानी कि जैसे वो सिमिलर
बिल्कुल मिरर्ड, लेकिन बिल्कुल सेम होते हैं। इसी तरह बनी इसराइल का और हमारा मामला भी सेम होगा। तो बनी इसराइल में क्या होता था कि एक जगह में एक नबी मौजूद होता था, एक रसूल मौजूद होता था, तो नबी मौजूद होता था, दूसरी जगह पे अल्लाह ताला दूसरे नबी को मबूस फरमा देता था। एक नबी होते थे, वफात पाते थे, तो अल्लाह ताला दूसरों को, दूसरे नबी को उनके फ़ौरन बाद मबूस फरमा देता था, यानी इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला हर सदी के सिरे पर एक तजदीद करने वाले को भेजता रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि अल उलमाउ उम्मती का अंबियाउ बनी इसराइल, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए।